से ये आई सदा प्यार की उफक से उठी है घटा प्यार की बड़ी दिल नशी बादलों की ये सरगम है कितना जालिम वफा का ये मौसम बताओ कि वो तुम्हें कोमल आंटी कैसी लगती हैं? कोमल आंटी वो तो बहुत अच्छी हैं। तो अगर हम उन्हें तुम्हारी मामा बनाकर घर पर ले आए फिर तो मजा आएगा। सारे दोस्तों से अच्छी मामा तो मेरी मामा होंगी। मैं जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई बात छुपाऊँ। आपके दादा परदादा को तो हम आज जानते ही थे, कितनी मेहनत करते थे वो हमारी ज़मीनों पर। मैं समझती हूँ ये उसी मेहनत का रंग है, असर है कि आप आज इस मकाम पर बैठे हैं, कि हमारे ही बच्चों को आप एक बेहतर और तालीम याफ्ता इंसान बना रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कौन आया था अभी यहाँ पे? जब मैं घर आया हूँ तो इस घर से कुछ शख्स निकल के बाहर की तरफ जा रहा था। वो कोमल का प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटी में, दारा शिकु, वो आया था। क्यों, वो क्यों आया था यहाँ पे? तुमने कोमल से बात नहीं की थी? मैंने कोमल से बात की थी, लेकिन शायद वो एक दो रोज से यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो इसलिए वो हमारे घर पे चला आया। खूब, बहुत खूब। उसकी सिर्फ मुझसे मुलाकात हुई है, कोमल तो उसके सामने भी नहीं आई, वो सिर्फ 2 मिनट बैठा और चला गया उसके बाद। अच्छा हुआ कि वो चला गया, वो भी मेरे आने से पहले। कोमल को समझाया नहीं तुमने? क्या समझाना? यही कि आइंदा वो शख्स इस घर की हदूद में नजर मत आए मुझे। सर आए थे? तुम्हें कैसे पता? वो खैर छोड़, मेरे ख्याल में अभी तुमने उससे बात नहीं की इसलिए मैं यहीं आ गया। वो आप तो जानती हैं मैं तो इतनी दिन से यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रही हूँ। कोमल, तुम्हारे पापा ने उसे यहाँ देख लिया था और वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि आदमी दोबारा यहाँ नजर ना आए। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसे बता दो। मामा क्या हो गया आपको? मैं ये बात सर से कैसे कह सकती हूँ? कोमल, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारे पापा उसकी इंसल्ट कर दें?
तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा किसी के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ते। क्या मेरी कमिटमेंट की कोई हैसियत नहीं? और मामा, ये सब तो हमें विरसे में मिला, इतने लोगों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। रही बात सर की, तो सर ने तो खुद बहुत मेहनत की है और उनका हक है कि उन्हें इज्जत दी जाए। कोमल, तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारे बाप दादा ने कोई मेहनत की ही नहीं थी, है ना? और आज जिंदगी में तुम जिस मकाम पर हो, ये ऐशो इशरत, ये घर, ये मोहब्बत, तुम्हारे माँ बाप ने सब तुम्हें नहीं दिया, कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, है ना? आपको क्या हो गया मामा, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। कोमल, मैं ये बात हरगिज नहीं जानती थी कि तुम किसी की मोहब्बत में यूं गिरफ्तार होगी कि ना माँ बाप का प्यार नजर आएगा और ना ही बाप दादा की मेहनत। मामा, आप गलत समझ रही हैं। मुझे जो समझना है मैं वो अच्छी तरह समझ रही हूँ कोमल, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम भी खुद को समझा लो, इसी में तुम्हारी और इस घर की भलाई है। वालेकुम अस्सलाम। आज पढ़ाई हो रही है? जी, माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, पढ़ो। थैंक यू। ठीक है, बाजुल लावाली है, लापरवाह है थोड़ा सा, इसके अलावा क्या बुराई है उसमें? हमाद, अगर आपको बाजिल में कोई बुराई नजर नहीं आ रही तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दारा शिकू में क्या बुराई है? पहली बात तो ये कि वो मेरी बेटी को बरगला रहा है, और दूसरी बात ये कि मैं किसी शख्स को भी इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरी बेटी की मासूमियत से खेले, और ना ही मैं कोमल को कोई गलत फैसला करने दूंगा। वो सब ठीक है हमाद, लेकिन आप मुझे बताइए कि उसकी सोच को बदलना तो मेरे इख्तियार में नहीं है ना, ये हक तो उसे कानून और शरा भी देती है। अब तो मुझे कानून और शरा पढ़ोगे? मैंने ऐसा तो हरगिज नहीं कहा। बाय द वे, तुम्हारी और मेरी सोच में कुछ फर्क नहीं आता जा रहा? मामला हमारी औलाद का है हमाद, और बात हक की है। ठीक है, तो फिर कोमल को भी सोसाइटी में मेरा तमाशा बनाने का कोई हक नहीं है, ये बता दीजिएगा उसे। ठीक है हमाद, वैसे भी मैं तो तंग आ चुकी हूँ बाप बेटी के इस मामले से। देखो शैला, एक बार बासल के बारे में संजीदगी से सोच के देखो, तुम्हारे ख्याल आदि बदल जाएंगे। बाप का जमा जमाया बिजनेस है, और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। मेरा ख्याल है कि कोमल के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता, बहुत अच्छा रहेगा कोमल के लिए। फिर दूसरी बात, अपने पप्पू के पास आएगी, मुझे भी इत्मीनान रहेगा, तुम्हें भी इत्मीनान रहेगा। हमाद, बेहतर यही है कि ये सारी बातें आप खुद कोमल को समझाएं, क्योंकि वो लड़की मेरी कोई बात ना सुनती है ना मानती है। Thank you.
प्रॉब्लम? नहीं, मुझे मुझे लगता है कोमल की तबीयत खराब है, वरना टीपू को तो रोजाना फोन करती है। तबीयत खराब होने की कोई खास वजह? हो सकता है कोई वायरल हो। सर, आपको याद है आप कल टीपू के स्कूल जाना है? हाँ, चला जाऊंगा यूनिवर्सिटी जाने से पहले। अलगो ओके, हम टीपू का होमवर्क चेक करेंगे। आज भी यूनिवर्सिटी नहीं गई। इंसान परेशान हो तो किसी काम में दिल नहीं लगता। इस तरह तो नहीं चलेगा ना। ये अगर यही सोचती रही तो बीमार हो जाएगी। क्या करूं, किस तरह समझाऊं इसे? शायद ये हमारे रवैये को लेकर डिस्टर्ब है कि क्या होगा। मैं मां हूं आखिर, मुझे इसके दिल का ख्याल करना चाहिए। इसकी तो कोई बहन भी नहीं है जिससे दिल का हाल बयान कर सके। कितनी अकेली है मेरी बेटी। मैं ही कुछ करती हूं, मुझे ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बेटा कोमल, कोमल उठ जाओ, सुबह हो गई है। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मजमूई तौर पर ये हुस्न और इश्क की शायरी है जो अक्सर लम्हों में जादू का काम कर जाती है। जी मामूजान, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ 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 आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो, हैव अ सीट। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया था? मैंने ही तुम्हें बुलाया था। ये बताओ क्या खाओगे, क्या पियोगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपने कुछ बात करनी थी। देखो बाज़ल, मैंने तुम्हें बहुत गुस्सा किया है, जिसका मुझे अफसोस ही बहुत है। लेकिन अगर तुम रियलाइज करके देखो तो हम सब तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। मैं हूं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स हूं। जी मामा जान। खानदान के जो बच्चे होते हैं वो सबके बच्चे होते हैं। अगर उनमें से एक बच्चा भी निकम्मा निकल आए तो पूरे खानदान की बदनामी होती है। जी मामू। मुझे आपने बताया कि आजकल तुम स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, व्हिच इज वेरी पॉजिटिव साइन।
I am trying my best. और एक बात और, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ. समझ आई? You're just like my son. आज रात डिनर तो मेरे साथ कर रहे हो. Thank you. Thank you so much. और आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है. तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास. बहुत जल्दी सरप्राइज मिलेगा वो तुम्हें. अच्छा जी, एक फ्रेश जूस भिजवाइए. या थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू. कोमल, बेटा इतनी देर गुजर गई और तुमने एक निवाला तक नहीं चखा. मुझे भूख नहीं है. कोमल, तुम कब तक ऐसा करोगी अपने साथ? अगर कुछ नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी. नहीं अम्मी, देखो कोमल, मैं तुम्हारी यह हालत देखकर बहुत तश्वीश का शिकार हूं. मैं नहीं जानती हूं कि क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम्हारा दिल उदास है और तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ. मैं अपने सारे काम तक भूली बैठी हूँ. मम्मी, आई एम रियली सॉरी. आप मेरी वजह से इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ में है. मैं ये सब जान के नहीं कर रही. अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो. मैं क्या, मैं थोड़ी देर के लिए सर से मिलने जा सकती हूँ? मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे. ठीक है, चली जाओ, लेकिन इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं. तुम अपना वक्त जाया करोगे. अम्मी, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी जाया नहीं करना चाहती. इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए. प्लीज मुझे ले दें. चली जाओ, मगर जल्दी वापस आना. जी, थैंक यू अम्मी. मेरी जान, में हमेशा तुम्हें ऐसे ही हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ. तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं इस दुनिया में. आज रात मुझे खाने पर बुलाया. वो मुझसे अब बिल्कुल नाराज नहीं है. मैं बहुत खुश हूं. देखो बाजिल, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है. तुमने खुद को चेंज किया, सब कुछ चेंज होने लगा है. मुझे लगता है कि मुझे पहले अकल नहीं थी. वो क्या है ना, अकल आती आती तो आती है. हाँ, अब तो लगता है वाकई अकल आ गई है. अब तो बता दो, रात रात भर कहाँ रहते हो? देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी बता दोगे, और ये भी प्रॉमिस किया था कि कोई गलत काम नहीं करोगे. मेरी प्यारी अम्मी, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं कोई गलत काम नहीं करता. मुझ पर यकीन रखिए. मैंने तो फ्लोरा से कहा था कि संडे को कोमल के फादर से मुलाकात करूंगा. वैसे इनकार की वजह क्या थी? बस मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मेरी शादी खानदान से बाहर हो. तो शादी मेरी, इसलिए मर्जी भी मेरी होगी. मान जाएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा राजी करने में. कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है. बहुत बर्दाश्त है मुझको. जी, और वैसे भी आज आप जिस मकाम पे हैं, बहुत मेहनत की आपने उसके लिए. मानना तो पड़ेगा मम्मी पापा को. लेकिन लेकिन क्या?
लेकिन बाबा को मनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है. टाइम लिमिट मेरी ज़िंदगी तक ही होगी ना. डराई नहीं. डरने की क्या बात है कोमल, ज़िंदगी से डर निकाल दें. सुबह से बादल नजर नहीं आए, क्या खबर है? इस वक्त तो वो अपने मामू जान के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा होगा. मामू जान के यहाँ? खैरियत? मामू जान के यहाँ जा रहा है या आस्ताना छूने जा रहा है? आस्ताना? क्लासिकल शायरी में महबूब के आस्ताने की बड़ी अहमियत होती है. उसे आशिकों का किबला भी कहते हैं. आज कॉलेज से आया तो बहुत खुश था. कह रहा था आज मामू जान ने अपने साथ डिनर करने के लिए कहा है. अच्छा, हैरत है. इससे पहले तो कभी नहीं सुना कि हमाद ने बादल को कोई लिफ्ट कराई हो. तुमसे कोई बात हुई है? नहीं, मेरी तो भाई से कोई बात नहीं हुई. भाई बादल से प्यार करते हैं ना. अल्लाह इस प्यार में बरकत पैदा करें. कम से कम तुम्हारे बेटे के मसाइल तो हल हों. मेरा बेटा? आपका कुछ नहीं लगता है? बेटा लायक फायक हो तो बाप का, नालायक और डफर हो तो माँ का. ये सदियों पुराना फलसफा है मरियम बेगम. अब तो ये बात ना कहें, अब तो वो सुधरता जा रहा है. अच्छी बात है. मैं बाजल को देखती हूँ क्या कर रहा है. लगता है बेगम साहबा को मेरी बात बुरी लग गई. हमाद मेरी बात तो सुनिए. हमाद क्या सुनूं मैं? खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं. मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मैं कोमल से ये उम्मीद नहीं थी. तमाशा बना के रख दिया. एक थर्ड क्लास आदमी के साथ घूम रही है, वो भी सरेआम. हमाद वो मुझसे इजाजत लेकर गई थी. उसे कोई जरूरी काम था वहां. कोई जरूरत नहीं उसकी तरफदारी करने की. तुम्हारे बेजा लाड प्यार से बिगाड़ के रखा है. सीधी बात को घुमाने की जरूरत नहीं है. दो टके की इज्जत करके रख दी हमारी. मुझे ये बताइए, आपको एतराज इस बात पर है कि वो उसके साथ घूम रही है? ज्यादा एतराज इस बात पर है कि वो आदमी किसी काबिल नहीं है. शाला बेगम, जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं उसी सोसाइटी में हमारे बच्चों को मूव करते हुए अपने कैलिबर का ख्याल रखना चाहिए. सब ठीक है हमाद, लेकिन हम अपने बच्चों की सोच पर कोई कैद तो नहीं लगा सकते ना. वो अपनी सोच के अपनी मर्जी के मालिक हैं. मगर उनकी सोच से हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है. हमारी जिंदगी खराब हो रही है उनकी इस बेतुकी की सोच की वजह से. हमाद, मैं सिर्फ आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर इंसान के जिंदगी गुजारने के अपने कुछ उसूल आदात होते हैं. कोमल अगर उनके तहत अपनी जिंदगी गुजार रही है तो हम उसे नहीं रोक सकते. वैसे भी आप मुझे एक बात समझाइए, आज अगर बात जिम्मेदारी पर आ गई है तो सारी गलती आपको मेरी नजर आ रही है. कि आप ये बात शायद भूल रहे हैं कि आप भी तो उससे इतना लाड प्यार करते हैं. ये आजादी आपने ही उसे दी है कि आज वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे, तो फिर इसमें हर्जी क्या है? मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि प्लीज जिंदगी को जरा हकीकत पसंदी के साथ देखिए, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा. That's it. I can't buy any argument for the...
क्या पहनूं? कोमल जी थोड़ी मदद ही कर दीजिए, क्या पहनना चाहिए मुझे? ये ठीक है, ये अच्छा, ये तो आज आपकी पसंद के कपड़े पहनेंगे। कैसा लग रहा? लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हें दारा शिकू के साथ घूमते हुए देख लिया था और वो बहुत गुस्से में। क्यों? गुस्सा तो तब करना चाहिए ना जब मैं आपसे झूठ बोलूं या उनसे झूठ बोलूं, मगर मैंने तो कभी आप लोगों से झूठ बोला ही नहीं। तुम अपने पापा का मिजाज जानती हो ना? हाँ, लेकिन पापा ने भी तो मुझे कभी किसी चीज से मना नहीं किया, तो अब इसमें गलत क्या है? बेटा ये बात गलत ही है। क्या गलत है? बात गलत ही तो है कोमल, तुम्हारे पापा कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि तुम उनके एक मुलाजिम के बेटे के साथ यूं घूमो फिरो। क्या मतलब है कि उनके मुलाजिम का बेटा है? कहना क्या चाहती हैं आप? क्या आप नहीं जानती कि वो उनकी बेटी को अब पढ़ाते हैं? वक्त बदल गया, वो मेरे टीचर हैं। ये बात तो मुझे समझा रही हो और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा उन्हें बात कौन समझाएगा? हमें पापा को ये बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये झूठ नहीं हकीकत है। तुम जानती हो ना कि वो कितने जिद्दी हैं। तो आप भी जानती हैं कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ और पापा को मैं मना कर ही रहूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए वही करो। अम्मी आप भी चलती तो बहुत अच्छा होता। अरे नहीं, आज तो तुम अपने मामू के स्पेशल गेस्ट हो। अम्मी क्या मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? मेरी तरफ से तो इजाजत है, मगर तुम्हारे बाबा जान? अरे उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वैसे भी वो देर से आते हैं। ठीक है, फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है, ले जाओ। ये ले बाइक की चाबी, मैं ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ले लूंगा। अम्मी आपको पता है मामू जान ने 2 दफा मुझे कॉल की है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ तो क्या हुआ, मामू भांजे में मोहब्बत तो होगी ना, मिस कर रहे होंगे तुम। हाँ डिनर पे बुलाया, जरूर कोई खास बात करनी होगी। हाँ यही खड़े खड़े सोचते रहोगे तो कैसे पता चलेगा, वहां जाओगे तो मालूम होगा ना। हाँ ये भी सही है। वैसे अम्मी दूसरे कपड़े पहन लिए सही है? नहीं नहीं अच्छे लग रहे हो, और तुम अपने ससुराल तो नहीं जा रहे हो ना, मामू के घर ही तो जा रहे हो। हो सकता है वो मेरा होने वाला ससुराल ही हो जाए। अल्लाह करे। मैं बस दुआ करें सब ठीक हो जाए। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे और कोमल के लिए तो हैं। अब जाओ मेरे बच्चे, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जाओ मेरी बेबी, जाओ एंजॉय योरसेल्फ। हमार क्या बात है, आप खाना नहीं खा रहे, क्या वेट कर रहे हैं किसी का? बाजिल का वेट कर रहा हूँ। बाजिल को बुलाया? सब खैरियत तो है? इसमें परेशानी की क्या बात है, मैंने बाजिल को डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ मैंने तो सोचा आपने उसका यहाँ आना बंद कर दिया था, इसलिए अब वो यहाँ नहीं आएगा। मैंने मना किया था, मैं नहीं बुलाया, कोई एतराज आपको? नहीं, भला मुझे क्या एतराज होगा, ये मामू और भांजे का मामला है, आप बेहतर समझ सकते हैं। भांजे भी तो मर्जी चल सकते हैं,
اولاد نے تو اس حق سے محروم کر دیا ہمیں. Anyway, جیسے بازل آئے گا ہم ڈنر ساتھ کریں گے. آپ دونوں کھا لیجیے گا, مجھے بھوک نہیں. کیوں؟ بس ایسے. بازل, بازل کا انتظار کیوں کر رہے ہیں بابا؟ بازل کو تو گھر پہ آنے سے منع کیا ہے. پھر ایسی کیا بات ہو گئی ہے, کیوں بلا رہے ہیں؟ Try to get my point, Sheila. کبھی کبھی ہمیں اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑتا ہے اپنی زندگی میں. کنویں یا کھائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہاں لیکن پسند ناپسند تو پھر بھی اپنی ہی ہوتی ہے نا. ٹھیک کہہ رہی ہو, لیکن جب معاملہ اپنی جان سے زیادہ قیمتی چیز کا ہو تو اس میں سوچ بچار کرنا پڑتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, مگر شاید میں ہی یہ بات نہیں سمجھنا چاہتی. ختم کر لیا تھا سارا؟ اسکول میں کیسا رہا؟ اچھا. مزہ آیا تھا؟ پاپا, کومل آنٹی کو فون کروں؟ کیوں, انہیں کیوں فون کرنا ہے؟ وہ آتی نہیں ہے, ان کو بلانا ہے. کیوں, کیوں بلانا ہے؟ وہ مجھ سے اتنی زیادہ باتیں کرتی ہیں. اچھا, تو فلورا میم آپ سے وہ باتیں نہیں کرتی؟ ویسی باتیں نہیں کرتی نا. کیسی باتیں؟ اوف وہ بابا, آپ کے سامنے تو کرتی ہیں اور آپ کو نہیں پتا. ہیں, اچھا میں نے غور نہیں کیا. آپ اچھے بچے نہیں ہیں, آپ کے سر ہیں نا, آپ کو ڈانٹیں گے. آپ کیئرفلی سنا کریں. میرا تو کوئی سر ہی نہیں ہے, میں تو خود سر ہوں. آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو ڈانٹتے ہیں؟ ہاں کبھی کبھی جب تنگ کرتے ہیں تو بہت زور سے ڈانٹتا ہوں. کومل آنٹی کو بھی؟ نہیں, انہیں کیوں ڈانٹوں گا, وہ بھی آپ کی اسٹوڈنٹ ہے نا. او اب میں سمجھ گیا, آپ کومل آنٹی کو ڈانٹا تھا نا آپ نے, تبھی وہ نہیں آ رہی. وہ اتنی اچھی ہیں, میں انہیں کیوں ڈانٹوں گا. تو پھر کال کروں؟ یہ لو. رنگ جا رہی ہے. سوچا کیا تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں؟ ماموں جان, میں سی اے کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں نے کامرس کا انتخاب کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس طرح تم بڑی آسانی سے خان صاحب کا بزنس سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ گے. جی, سی اے کرنے کے بعد جاب ہو یا بزنس, دونوں میں فیوچر بہت اچھا ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے. یو نو واٹ, کہ تم اپنے فیوچر کے بارے میں بہت سیریس ہو گئے, اینڈ اٹس اے پازیٹیو سائن. یہ کومل کا ہے؟ اشرف, اگر تم نے پہلے اپنی پڑھائی پر صحیح طرح سے دھیان دیا ہوتا نا تو کتنا اچھا ہوتا. کومل بیوی کا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں, وہ کہہ رہی مجھے بھوک نہیں ہے. بلا کے لاؤ رہے. پرومس, کل آؤں گی نا میں؟ آپ کل ضرور آئے گا, میں آپ کو بہت ساری آئس کریمس کھلاؤں گا.
अच्छा पटा रहे हो मुझे? No doubt, food is so delicious. मामी जान आपने खाना बहुत अच्छा बनाया. मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि कोमल की सगी माँ होके एक बच्चे के बाप को तुम अपना दामाद कैसे तस्लीम कर सकती हो? उसके लिए जिंदगी भर का रोग, तो उसे कैसे खुशी खुशी तस्लीम कर सकती हो? आई कांट टेक दिस. अम्मी मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें, इस घर में एक काम करने वाली आ जाए जो मेरे सारे काम करे और आपकी खूब खिदमत करे. अच्छा तो एक और मासी रख लेते. अरे नहीं नहीं नहीं, मासी दिल लगाकर काम नहीं करेगी. मैं जानती हूँ कि वो कभी नहीं मानेंगे, वो अपनी जिद और गुस्से के बहुत पक्के हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ मेरी शादी नहीं कराएंगे जिसके बाप दादा उनकी जमीनों पर काम करते थे और औलाद अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है. वफा का ये मौ...